उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम के निर्माण विभाग के बाबू के ऊपर सपा पार्षद देश दीपक यादव ने लगाए गंभीर आरोप। इस दौरान सपा पार्षद देश दीपक यादव द्वारा बताया गया कि बोर्ड मीटिंग में पार्षदों द्वारा यहां के बाबू के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर जिला अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए इन्हें दबरई भेज दिया गया, लेकिन पुनः उन्होंने अपना ट्रांसफर नगर निगम करा लिया और यहां किसी भी कार्य को बिना पैसे लिए नहीं किया जाता, जिसको लेकर मैं लिखित रूप से इस मामले को महापौर महोदय व नगर आयुक्त से मिलकर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करूंगा, जिससे आम जनता को अपना कार्य कराने के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान सपा पार्षद देश दीपक यादव, जगमोहन यादव, पवन यादव व अन्य कई पार्षद मौजूद रहे। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। देख रहे नगर निगम में कई कर्मचारी जिनके ऊपर कई आरोप लगते हैं और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में? हाँ, ऐसे कुछ मामले मेरे भी संज्ञान में हैं, जिनके लिए हम सभी पार्षद महापौर जी और नगरायुक्त जी से मिलेंगे और जिन बाबू के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ जाँच चल रही है, अभी शायद हो सकता है जाँच में हो मामला, तो उनसे हम लोग पता करेंगे कि इन लोगों का कार्रवाई होने लगे। लोग यहाँ एकत्रित हैं किस संदर्भ को लेकर? यहाँ एक निर्माण विभाग में बाबू हैं प्रमोद यादव, तो पिछली बार जब मैं सभासद था तो उनके कृत्यों को देखते हुए बड़े चर्चित बाबू रहे नगर निगम में, नगर पालिका परिषद में भी, उन पर तमाम भ्रष्टाचार को आप आरोप लगते रहे। मेरे पास उनके हारों की कटिंगें भी रखी हुई हैं, दो बार इनको नगर पालिका सदन ने पूर्ण सम्मति के साथ सभी सभासदों ने पद से हटाया था, क्योंकि ये उस पद पर रहकर भ्रष्टाचार कर रहे थे और अखबारों में ये बड़ी प्रकाश रही थी उस समय की, कई इनकी जो भ्रष्टाचार की खबरें थी बड़ी प्रकाशित रहती थी। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय जी ने इनको इनकी शिकायतों को देखते हुए इनको दवाई से सम्मिलित कर दिया था, इसे नगर इनको नगर पालिका से हटा दिया था। अब फिर जाकर शायद मुझे लगता है कि महापौर जी अभी नई बनी है, नया बोर्ड है, नगरायुक्त साहब जी अभी आए हैं, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं कि ये बाबू चर्चित बाबू हैं और इनका पुराना जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत खराब रहा है, इसलिए इनको सीट पर फिर बैठा दिया गया। हम ये सारी बातें महापौर जी और नगरायुक्त साहब के संज्ञान में लाएंगे। बहुत से पार्षद इनके खिलाफ हैं इनके सीट पर बैठने से, ठेकेदारों में बड़ा रोष व्याप्त है, ये अपनी सही तरीके से अपना कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। मेरे पास कुछ इनके सबूत भी हैं जिसमें इनका मैं नगरायुक्त साहब को दूंगा और मीडिया को भी दूंगा जल्दी, इनके सबूत इनकी रिकॉर्डिंग है, इन्होंने लोगों से जो कुछ भी मांग की वो मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई है। मैं मांग करता हूँ नगरायुक्त साहब और महापौर जी से कि इनको इनके पद से तत्काल हटाएँ, क्योंकि यह बाबू पूर्व में भी बहुत चर्चित रह चुके हैं, भ्रष्टाचार के कई आरोप इन पर हमेशा लगते रहे, बड़े बड़े आरोप रहे, कटिंगें भी घर रखी हुई, उनको निकाल कर नगरायुक्त साहब महापौर जी को दूंगा। तो हमसे भी पार्षद मांग करते हैं इनको बाबू को उनके पक्ष से तुरंत हटाकर इनको किसी ऐसी सीट पर बैठाया जाए जहां लाभ के लिए, जो लाभ का काम ये न कर पाए, जहां जनता का कम जुड़ाव हो, क्योंकि जहां जनता